दोस्तों सैमसंग ने आज इंडिया में अपने न्यू स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A14 के 4G वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है, जो कि मैं आपको लेने से क्लियरली मना कर रहा हूँ। क्यों मना कर रहा हूँ इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों अगर मैं आपको ये स्मार्टफोन लेने से मना कर रहा हूँ तो इसके जगह पर आपको कौन सा दूसरा स्मार्टफोन लेना चाहिए जो इसे बहुत ज़्यादा बेटर है, वही बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको 3 मेजर कारण बताने वाला हूं जिसके कारण आपको ये स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपके 15,000 रुपये मेहनत की कमाई के हैं कीमती है तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपने 15,000 रुपये गलत स्मार्टफोन को परचेज करने में वेस्ट कर दीजिएगा। सो है गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे यहां पे सैमसंग गैलेक्सी A14 के 4G वेरिएंट के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो है आपको 6.6 इंच का एक PLS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहां पर जो आपको टिपिकल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लगा दिया गया है। अब ये PLS LCD है, इसको आप कह सकते हैं कि IPS LCD पैनल जैसा ही होता है। सामने की तरफ जो आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा दिया गया है, जो कि वाटर ड्रॉप स्टाइलिंग के साथ में आता है। चलो ठीक ठाक है, डिस्प्ले के बारे में मैंने जो आपको बताया था वो ध्यान में रखना है। एंड आगे बात करें तो बैक की तरफ जो है आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, जहां पर जो प्राइमरी कैमरा वो यूज करा गया है 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा 5 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रावाइड एंगल लेंस के साथ में आता है, थर्ड कैमरा बस 2 मेगापिक्सल का ऐसे ही चिप दिया गया है। एंड अल्ट्रावाइड एंगल लेंस दी भी तो 8 मेगापिक्सल का देना चाहिए था, 5 मेगापिक्सल का देने का कोई सेंस नहीं बनता है, उसको भी कह सकते हैं कि बस चिप दिया है। एंड बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। गेस व्हाट गाइस, यहाँ पे आपको 10 वॉट का सुपर डुपर फास्टेस्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। लिटरली सैमसंग 10 वॉट का चार्जर यहाँ पे लोग जो है 9,000-10,000 रुपये में प्रोवाइड कर देते हैं 18 वॉट 33 वॉट, और आप प्रोवाइड करे हो एक 15,000 के प्राइस सेगमेंट वाले स्मार्टफोन में 10 वॉट का चार्जर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर भी चार्जर देखने को नहीं मिलता है, बॉक्स के अंदर से चार्जर ही हटा दिया है। शर्म करो, कुछ तो शर्म कर लो यार। एंड प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सैमसंग का खुद का चिपसेट एक्सिनोस 850, जिसको कि हम कह सकते हैं कि हीलियो P35 के इक्विवेलेंट है, जो कि 4G चिपसेट है, 5G चिपसेट या नहीं है। लिटरली एक्सिनोस 850 इस प्राइस पे जस्टिफाई है सैमसंग? बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। एंड यहाँ पे जो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, 3.5mm जैक भी है, डेडिकेटेड स्लॉट से दिए गए, तो आप 2 सिम के साथ साथ एक SD कार्ड भी एंजॉय कर सकते हैं। एंड ये स्मार्टफोन जो आपको एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो आपको 2+4 का अपडेट देखने को मिलता है, तो 2 साल के यहाँ पे आपको मेजर अपडेट्स देखने को मिलेंगे, मतलब एंड्रॉयड 14 एंड 15 तक के अपडेट्स देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद भी 2 साल जो आपको और, मतलब 4 साल टोटल जो है यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये रही पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन की कहानी यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A14 के 4G की। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 मैं आपको कारण बता देता हूँ क्यों नहीं लेना है। यहाँ पे तो सबसे पहले PLS LCD पैनल प्रोवाइड करा, और वो प्रोवाइड करा, चलो उसको झेल लेते, अगर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दे देती तो यहाँ पे तो देना चाहिए था OLED डिस्प्ले, बट नहीं, यहाँ पे PLS LCD है, वो भी 60 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश के साथ, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो आपको 10 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है, वो भी बॉक्स के अंदर दिया ही नहीं जाएगा, दूसरा पॉइंट ये रहा। एंड तीसरा पॉइंट, इसका प्रोसेसर एक्सिनोस 850 इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल एट दिस प्राइस रेंज, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। 3 मेजर पॉइंट्स है स्मार्टफोन को इग्नोर करने के। तो अब बात आती है कि मैं आपको कौन सा दूसरा स्मार्टफोन रिकमेंड करता हूँ। रिकमेंड करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी A14 4G की जो है प्राइसिंग क्या रखी गई है। तो 2 वेरिएंट में लॉन्च करा गया है, 4+64 प्राइसिंग रखी गई है 14,000 रुपये, 4+128 की प्राइसिंग 15,000 रुपये रखी गई है। अब बात करते हैं कि हमें ये स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए तो कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो आपको यहाँ पे लेना चाहिए, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ रियलमी की तरफ से रियलमी 10 का 4G वेरिएंट। यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है 4+64 जो बेस वेरिएंट है वो 12,000 रुपये का। यहाँ पे आपको 2,000 रुपये मैं आपको सीधे बचा दे रहा हूँ। तो 12,000 में देखिए क्या क्या देखने को मिलता है। 90 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले, 33 वॉट फास्ट चार्जिंग एंड हीलियो G99। हाँ, ये भी 4G स्मार्टफोन ही है, आपको 4G स्मार्टफोन ही रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये भी 4G है, तो 4G के बदले 4G रिकमेंड करूँगा। तो जी हाँ, यहाँ पे 33 वॉट का चार्जर है, 90 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले है एंड हीलियो G99। तो ओवरऑल पैकेज देखा जाए तो फार बेटर है Realme 10 4G अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे Samsung Galaxy A14 4G। तो आपको क्लियरली रिकमेंड करता हूँ कि आप जाकर ले लो यहाँ पे Realme 10 4G वेरिएंट। और आपको 5G चाहिए तो आप जाकर ले लेना Vivo का T2X 5G, वो भी काफी अच्छा स्मार्टफोन है।
4G चाहिए रियलमी 10 4G, 5G चाहिए वीवो T2X 5G, सैमसंग A14 4G की चक्कर में बिल्कुल ही मत पड़ना, बिल्कुल बढ़िया स्मार्टफोन है, लास्टली यही बताना चाहता हूँ। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था सैमसंग गैलेक्सी A14 4G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे एक और नए वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय।